बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक होने वाली है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी नेत्री आई हुई हैं और इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका बिहार में। नमस्ते, थैंक यू। कैसा लग रहा है बिहार आकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम दो दिन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में थे, तो वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी लोग से मिले। वहाँ हमने समझाया रिगार्डिंग बीजेपी का सेक्युलर स्टेटस, कि बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है, एंटी माइनॉरिटी पार्टी नहीं है, तो लोग खुश है अभी। एंड काफ़ी मोदी जी के स्कीम के बारे बताया, तो माइनॉरिटी स्पेशली महिला लोग बहुत खुश है। बिल्कुल, और यह पहला कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है जहां तमाम जो देश के कोने कोने से लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो कितना खुशी हो रही है इस बात की? बहुत बहुत खुश, सब लोग खुश है, हम लोग स्पेशली बहुत खुश है। हम नॉर्थ ईस्ट से आए हुए एंड बहुत बहुत खुश है यहाँ के लोग इंटरेक्ट करने के लिए, समझाने के लिए बीजेपी के बारे में, बीजेपी कैसा पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, नेशनलिस्ट पार्टी है। हम पहले देश के बारे में सोचना है, तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट फुल प्रोग्रेस होगा। निश्चित तौर पे बिहार में आकर कैसा लगा? नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो विकास किया है उसके बारे में क्या कहना है? नो कमेंट्स फॉर नाउ। या ही शुड सपोर्ट बीजेपी, शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट बीजेपी। बिल्कुल, एनडीए की सरकार है बिहार में, इंटैक्ट है, जदयू है, बीजेपी और हम तीनों एकजुट गठबंधन में हैं और एनडीए की सरकार चल रही है, तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर के क्या कहना है? ही शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट पीएम मोदी। बीजेपी पार्टी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड सारे दुनिया को पता है मोदी जी क्या चाहिए कंट्री के लिए, हमारा भारत के लिए। इस बैठक के बाद कितनी और मजबूती मिलेगी बीजेपी को? यस यस डेफिनेटली, आफ्टर दिस बीजेपी विल बी स्ट्रॉन्गर, स्पेशली बीजेपी इमेज इन बिहार। यस डेफिनेटली, वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स दैट, वी आर कॉन्फिडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी महिला नेत्री जो बीजेपी के हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो बैठक होने वाली है उसमें निश्चित तौर पे जो है इससे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कार्यकाल किया है उसकी भी उन्होंने सराहना की है। हालाँकि इन्होंने पीएम मोदी का ज़्यादा गुणगान किया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो बैठक में तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं, लोग शिरकत कर रहे हैं और एक एक करके लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी बातों को जानने की कोशिश करेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।